मैंने यहाँ पे सभी मसालों को ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक धीमी आंच में पका लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखें जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इन मसालों में मिलानी है कुंदरू। तो कुंदरू को मैंने यहाँ पे पहले से फ्राई करके रखा था। अब हम इस फ्राई की हुई कुंदरू को प्याज टमाटर और बाकी मसालों के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए कुंदरू को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के आसपास तक भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं कुंदरू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैंने इसे थोड़ी देर लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक और भून लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। तो ये 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है, लेकिन ध्यान दें एकदम ज़्यादा पानी यहाँ पे आप ना मिलाएं। अब हम कुंदरू की सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम कुंदरू की सब्जी को ढक कर धीमी आँच पर थोड़ी देर यानी जब तक इसका पानी सारा सूख नहीं जाता इसे हमें पका लेना है। आप चाहें तो कुंदरू की सब्जी को बीच में 1 से 2 बार चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुंदरू की सब्जी को लगभग 5 से 7 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे पका लिया है। अब हम कुंदरू की सब्जी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारी कुंदरू की सब्जी है लगभग बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है। तो इस पानी को सुखाने के लिए हम इसे तेज आँच पर 2 से 3 मिनट के आसपास तक और पका लेंगे। मैंने यहाँ पे कुंदरू की सब्जी को तेज आंच पे लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक पका लिया है। ये हमारी कुंदरू की सब्जी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है, इसमें अब पानी भी नहीं रहे। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप भी फ्रेंड्स इसी तरीके से आसानी से इस डिलीशियस सी कुंदरू की सब्जी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा कुंदरू की सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। साथ ही फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।